दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं न्यूज लॉन्चर। उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग के द्वारा जारी किया गया कल एक लेटर वायरल हो गया और उसके बाद पूरे उत्तर प्रदेश में बड़ा विवाद फैल गया। दरअसल कल रात को 10 बजे में, जो कि कई लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार का मुखपत्र है वो चैनल, जो मान बादशाह लोग बोलते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार जो चाहती है वही खबरें, कई लोग का मानना है ऐसे चैनल पे ऐसे ही खबरें चलती हैं। खबर ब्रेक की गई कल रात 10 बजे कि उत्तर प्रदेश पुलिस में पुलिस महानिदेशालय से एक चिट्ठी भेजी गई है पूरे समस्त पुलिस महानिदेशक और तमाम जोन्स में कि उत्तर प्रदेश पुलिस डीजीपी ऑफिस से एक चिट्ठी भेजी गई है और उनसे राय मांगी गई है कि पुलिस विभाग में जो क्लर्क होते हैं, जो कि क्लरिकल काम करते हैं, अकाउंटेंट होते हैं, उनको अगर आउटसोर्सिंग पे लिया जाए तो आपकी क्या राय है भाई साहब? ये खबर ब्रेक करता है और उसके बाद जो है वो ये खबर वायरल हो जाती है। जैसे ही वायरल हो जाती है, आजकल तो जानते हैं सोशल मीडिया का जमाना है, न्यूज 18 यूपी उत्तर प्रदेश की खबर किसी ने ज्यादा लोगों ने देखी नहीं होगी, लेकिन ट्विटर पे वो चल गई, फेसबुक पे चल गई, विपक्ष एकदम आक्रामक हो गया। कई लोग इसकी तुलना अग्निवीर योजना से करने लग गए कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तो अग्निवीर जैसी स्कीम आ गई है, जबकि अग्निवीर जैसी कोई योजना थी नहीं। लेकिन साफ बवाल मच गया, 2 घंटे तक धुआंधार ट्विटर पे वार शुरू हो गया कि अखिलेश यादव तो बार बार कह रहे थे कि अगर केंद्र में मोदी जी की सरकार आ गई तो जैसे सेना में अग्निवीर योजना लाई गई है उसी तरह से उत्तर प्रदेश पुलिस में भी अग्निवीर जैसी योजना ला ली। लेकिन ऐसा कुछ था नहीं इसमें, उस वायरल चिट्ठी में सिर्फ ये जो वायरल चिट्ठी जो शेयर की थी न्यूज 18 ने, उसने ये उसमें ये था कि ये जो है राय मांगी गई थी। वैसे उत्तर प्रदेश सरकार में कई विभाग में क्लरिकल कैडर पे आउटसोर्स कर्मचारी काम करते हैं। खैर साहब, बवाल मच गया पूरा और उसका समाजवादी पार्टी के कई सांसद कई विधायकों ने इस पे ट्वीट करना शुरू कर दिया। तुरंत उत्तर प्रदेश पुलिस महकमा तुरंत अलर्ट हुआ। रात को 12 बजे के करीब उत्तर प्रदेश पुलिस ने कहा कि ये चिट्ठी जो वायरल हो रही है ये गलत है, ये इसमें टाइपिंग मिस्टेक है। उत्तर प्रदेश पुलिस ने 12 बजे स्पष्टीकरण किया कि ऐसी कोई योजना नहीं है। पहले से एक योजना चली आ रही थी क्लास 4 एम्प्लॉय के लिए, पहले कई सालों से उत्तर प्रदेश पुलिस में क्लास 4 के जो एम्प्लॉई वो आउटसोर्स के रखे जाते हैं। ये उन क्लास 4 एम्प्लॉई जो आउटसोर्स बहुत दिनों से परंपरा चली आ रही है उसके लिए चिट्ठी बननी थी, लेकिन टाइपिंग मिस्टेक की वजह से इसमें क्लरिकल कैडर की बात हो गई और अकाउंटेंट की बात हो गई। और ऐसा कोई मतलब पुलिस ने स्पष्टीकरण जारी किया कि ये टाइपिंग मिस्टेक का मामला है साहब। लेकिन जानकारी ये बताते हैं, ये 2 घंटे बाद पुलिस ने स्पष्टीकरण भी दे दिया, फिर अब तमाम चैनलों पे आज सुबह से डीजीपी का बयान भी चल रहा है कि डीजीपी ने कहा कि ऐसी कोई योजना थी नहीं। लेकिन जो डैमेज होना था वो हो गया, लोगों के मन में एक शक बैठ गया और विपक्ष ने इसको बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया। अखिलेश यादव ने भी सुबह ट्वीट कर दिया। खैर, अच्छी बात यह रही कि जैसे ही रिएक्शन आया सोशल मीडिया पे, जिस तरह से रिएक्शन आया उसको देखते हुए सरकार ने तुरंत ही डैमेज कंट्रोल किया और ये बता दिया गया कि ये जो चिट्ठी है वो बेसिकली क्लरिकल मिस्टेक हो गई, इसमें इस तरह की कोई योजना नहीं। अब इस मामले पे जब मैंने बात की कई पत्रकारों से, कई जानकार पत्रकारों का कहना है कि देखिए भाई साहब, इस तरह की कोई चिट्ठी जारी होती है, देखिए वो ऑफिशियली उन्होंने बताया उनसे किस तरह की कोई चिट्ठी जारी होती है तो बिना किस लेवल पे बातचीत के जारी नहीं होती है, तो और ये चिट्ठी बकायदे उनका कहना था ये चिट्ठी टाइप हुई है और ये भेजी गई है, तो ये चिट्ठी कैसे मीडिया के पास कैसे, तो ये भी एक बड़ा सवाल है कि एक चिट्ठी जिसमें मैं मानता हूँ कि डीजी उत्तर प्रदेश बिल्कुल सही कह रहे हैं, इसमें टाइपिंग मिस्टेक थी। टाइपिंग मिस्टेक वाली जो चिट्ठी है, जो इंटरनल कम्युनिकेशन, मतलब पुलिस मुख्यालय में बैठे डीआईजी अवस्थापना लोग बोलते हैं उस पोस्ट पे, उन्होंने वो चिट्ठी कुछ भेजी होगी, वो चिट्ठी भेजी गई है
समस्त डीजी को तमाम उत्तर प्रदेश में कई डीजी हो गए, जैसे तो डीजी पुलिस हो गया, डीजी भारत, तमाम 9-10 डीजी की पोस्ट है उनके ऑफिसर्स में गई है, एडीजी के ऑफिसर्स में गई है और आईजी के ऑफिसर्स में गई है। तो ये एक इंटरनल कम्युनिकेशन, ठीक है। वो चिट्ठी कैसे मीडिया के हाथ में लगी, वो चिट्ठी मीडिया में कैसे आई, तो ये भी कहीं ना कहीं पुलिस विभाग की लापरवाही है। और उसके बाद ये वायरल हो गया और न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उसने ये खबर को बड़ी प्रमुखता से चलाया। कल तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दे रहे थे कि राय मांगी गई है उनके उनके उन्होंने 10 बजे रात को चलाई खबर कि पुलिस विभाग में राय मांगी गई है, और उसमें कहीं अग्निवीर का नाम नहीं था। उसमें यह था कि आउटसोर्सिंग के जरिए जो क्लरिकल स्टाफ होता है, जैसे क्लर्क हो गया, ये अकाउंटेंट होगा, और कई उसमें क्लरिकल कैडर में भी स्टेटस होता है कि वो सब इंस्पेक्टर लेवल पे क्लर्क अपॉइंट किए आउटसोर्स के जरिए, इस पर राय मांगी गई थी। लेकिन लोगों ने, अब वो खबर चल गई और लोग उसको ट्विटर पे ले उड़े कि उत्तर प्रदेश पुलिस में तो अब तो बताइए आउटसोर्सिंग के जरिए सब इंस्पेक्टर भर्ती होगा। तो जब ये जब अफवाहें फैल गई और जिस तरह से सरकार के प्रति अविश्वास का एक भावना जग गई है, खासकर युवाओं में बड़ा जबरदस्त इस सरकार के प्रति अविश्वास की भावना जग गई है, उसके पीछे स्पष्ट कारण है। क्योंकि देखिए, अभी हाल में पुलिस भर्ती परीक्षा हुई थी 17 और 18 फरवरी को, और परीक्षा का पेपर लीक हो गया। तब जब पेपर लीक हुए थे तो 17-18 फरवरी को तमाम सोशल मीडिया में वो पेपर वायरल थे कि ये जो हमारे पास पर्चा दिया गया वायरल, हमारे पास व्हाट्सएप पे आया था, उसमें से 150 से 147 क्वेश्चन पेपर में आया था। लेकिन तब भी उत्तर प्रदेश पुलिस के आला अधिकारियों ने पेपर लीक से इनकार कर दिया। खैर, बाद में पब्लिक का प्रेशर पड़ा, लड़के यहाँ पे आंदोलन किए 3-4 दिनों तक, फिर 4 दिन बाद उस परीक्षा को निरस्त हो गया। अब ये हो रहा है कि ये लगातार ऐसी गलतियां क्यों हो रही है, ऐसी गलतियां पुलिस विभाग के द्वारा। पहली बात तो है कि आप 6 साल बाद आप एक पुलिस भर्ती परीक्षा आयोजित कराते हैं, उस परीक्षा में पहले जो दावा किया जाता है कि 60 लाख परीक्षार्थी होने जा रहे हैं, और परीक्षा के पहले देखिए क्या माहौल बनाया गया था, ध्यान कीजिए, तमाम मीडिया वाले गए थे और डीजीपी ऑफिस में बकायदे, एक नया कल्चर हो गया है, अधिकारी सब आजकल टीवी में आके ऐसे बयान देते हैं जैसे उनमें से कईयों को लगता है कि नौकरी के बाद चुनाव भी लड़ना है, और आप देख भी रहे हैं बहुत से ब्यूरोक्रेट चुनाव भी लड़ रहे हैं आके। तो बकायदे इंक्लूड किया गया कि ऐसी व्यवस्था की गई, हर जगह सीसीटीवी कैमरे हों, और इतनी बड़ी पुलिस भर्ती परीक्षा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड तक की बात की। लेकिन नतीजा क्या हुआ, पेपर लीक हो चुका था। लीक होने के बाद भी जो डिनायल अधिकारियों का बयान होता है कि नहीं पेपर लीक नहीं हुआ, पेपर लीक नहीं हुआ, अरे जब पेपर लीक नहीं हुआ तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने क्यों परीक्षा कैंसिल करने का आदेश दिया। ये किरकिरे हुई है 17-18 फरवरी को, और उसके बाद कल की किरकिरी, भाई एक इंटरनल कम्युनिकेशन है। मैं मान लेता हूं उत्तर प्रदेश को जो कार्यवाहक डीजीपी है प्रशांत कुमार जी, बिल्कुल सही बात उनकी, बिल्कुल अच्छा सा सही है, क्लरिकल मिस्टेक था चिट्ठी में कि बजाय क्लास 4 एम्प्लॉई के उसमें गलती से छपा, जिस लड़के ने टाइप किया था कंप्यूटर पे उसने लिख दिया क्लरिकल कैडर लिख दिया। लेकिन ये जो चिट्ठी है, मेरा सवाल ये है कि ये जो चिट्ठी डीजीपी डीआईजी अवस्थापना के जरिए सबको भेजी गई, तमाम डीजी कार्यालयों में, जो प्रदेश के अन्य 8-9 डीजीपी उनके कार्यालयों में भेजी गई, एडीजी के कार्यालय में गई, पुलिस कमिश्नर ऑफिस में गई राय मांगने की। देखिए, पहली बात तो कि राय मांगी गई, तो ये चिट्ठी कैसे मीडिया के हाथ में लगी, ये चिट्ठी कैसे मीडिया के हाथ में, भाई चिट्ठी गलत थी कोई अधिकारी पकड़ लेता कैंसिल हो जाता, किसी को पता ही नहीं चलता। अब ये चिट्ठी मीडिया के हाथ में आ गई, मीडिया ने ब्रेकिंग न्यूज चलाना शुरू कर दिया, और ब्रेकिंग न्यूज चलाने वाले मतलब तो लगी। अब देखिए, अब कई लोग तो प्रशांत कुमार जी को बधाई दे रहे हैं कि प्रशांत कुमार जी, एक पत्रकार ने बधाई दी बाकायदे ट्वीट करके कि प्रशांत कुमार जी आपने बहुत सही काम किया, सही समय रहते ही आपने इस चिट्ठी में गलती को पकड़ा और चिट्ठी को उसके बारे में सच क्लियर किया। लेकिन ठीक है, प्रशांत कुमार जी को बधाई दीजिए, अच्छी बात है भाई, बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। लेकिन मेरा सवाल ये है कि ये चिट्ठी कैसे मीडिया के पास पहुंची जिसमें क्लरिकल मिस्टेक थी, कैसे पहुंच गई,
इसकी भी तो जांच होनी चाहिए ना। उत्तर प्रदेश सरकार की छवि, देखिए उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की छवि के साथ को बड़ी चोट पहुंची है इस घटना से। आप देखिए योगी आदित्यनाथ का चेहरा आप लोग को याद होगा, कितने वो वीडियोस, तमाम वीडियोस वायरल थे जब लोकसभा में सेंट्रल हाउस में, सेंट्रल हॉल में एनडीए की बैठक हो रही थी, तो बड़े विचार मंगलों के योगी जी बैठे हुए थे, क्योंकि उनको खुद उम्मीद नहीं थी कि 80 में 33 सीटें वो जीतेंगे, यूपी में हार जाएंगे। और मैं ग्राउंड में घूमा हूं, मैं लगभग 20 से ज्यादा लोकसभा क्षेत्रों में गया हूं। जो सबसे बड़ी नाराजगी, जो जो कारण, एक ठीक अग्निवीर योजना थी, लेकिन अग्निवीर योजना के बाद जो सरकार को सबसे ज्यादा नुकसान उठाना पड़ा है वो पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होने की वजह से। तो योगी जी को अब समझना चाहिए कि ये जो अधिकारी हैं, ये चूंकि छवि को लगातार अपनी, एक तो पेपर लीक हो रहा है, वो कौन से अधिकारी थे, कहां से ये जो चिट्ठियां लीक हुई है। अब देखिए आप स्पष्टीकरण दे रहे हैं, डीजीपी साहब ने बता दिया, ठीक है, 10 बजे के करीब न्यूज 18 ने खबर चलाई, 10 बजे करीब न्यूज 18 यूपी ने खबर चलाई, उसके बाद से वायरल हो गया, 2 घंटे तक धुआंधार ट्विटर पे लगातार सब नेता ने, ये समाजवादी पार्टी के जितने भी बड़े लोग नेता हैं, यासर शाह हैं, लालजी वर्मा हैं, सब लोग, आईपी सिंह, सबने इस पे ट्वीट करना शुरू कर दिया, और हर आदमी इसको अग्निवीर योजना से शुरू जोड़ना शुरू कर दिया। पहली बात तो ये अग्निवीर योजना थी नहीं, और ये भी सच जानते हैं कि आउटसोर्सिंग पे कर्मचारी रखने की योजना सर आज से नहीं, कई पिछले 15 सालों से कई विभागों में आउटसोर्सिंग में चपरासी वगैरह रखे जाते हैं। कई विभागों में आज भी कंप्यूटर जो ऑपरेटर होता है वो आउटसोर्सिंग से ही होता है, ये भी एक सच है कि कंप्यूटर ऑपरेटर तमाम विभागों में आउटसोर्सिंग के जरिए रखे जाते हैं, और आज से नहीं, कई सालों से रखे जाते हैं। तो इस तरह की चीजें होती रहती हैं, लेकिन वो ये गोपनीय चिट्ठी, जो गोपनीय मतलब कि ऐसी कोई चिट्ठी जो कि डीजीपी ऑफिस में बैठा डीआईजी लेवल का अधिकारी एक कोई ऑफिशियल लेटर भेजता है, तमाम प्रदेश के जो 8-9 डीजीपी के अलग कार्यालय उनमें भेजता है, आईजी जोन के कार्यालय में, तो वो कैसे वायरल होती है। तो इसकी जांच करनी चाहिए, और योगी जी को मुझे लगता है कि पुलिस विभाग में, क्योंकि कई लोगों का मानना है, एक वरिष्ठ पत्रकार से मैंने बात की, वो नाम नहीं बताना चाहता हूँ, उनका कहना था कि पुलिस विभाग में बड़े बदलाव की जरूरत है शीर्ष लेवल पे। उनका ये कहना था कि शीर्ष लेवल में पुलिस विभाग में बड़े बदलाव की जरूरत है, क्योंकि उन्होंने खुद कहा कि एक तो पुलिस भर्ती परीक्षा का पेपर लीक होना वो भी एक बड़ी घटना थी, और उसके बाद ये घटना, तो दो दो घटनाएं ये बता रही हैं कि जो शीर्ष स्तर पे उत्तर प्रदेश में अधिकारी बैठे हुए हैं उनका विभाग पे नियंत्रण नहीं है। ये हमसे बातचीत में एक वरिष्ठ पत्रकार ने कहा, मैं उनका नाम नहीं बता रहा भाई, वो मैं नाम क्यों सार्वजनिक करूं, लेकिन मेरी फोन पे बात थी। उनका स्पष्ट कहना था कि पुलिस विभाग जो अधिकारी चला रहे हैं उनका अपने विभाग पे कंट्रोल नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, इसकी हाई लेवल जांच होनी चाहिए कि कैसे वो जो इंटरनल कम्युनिकेशन था, डीआईजी अवस्थापना का जो चिट्ठी गई थी वो कैसे मीडिया में आई, कैसे खबर बन गई। तो इन चीजों पे उत्तर प्रदेश पुलिस को माननीय, चूंकि गृह मंत्री भी हमारे योगी आदित्यनाथ जी हैं, और पुलिस विभाग की वजह से ही आदित्यनाथ जी की जो जो इमेज है उसको बड़ा नुकसान पहुंच रहा है। उनके कई समर्थक चाहते हैं कि योगी आदित्यनाथ जी भारत के प्रधानमंत्री बने, लेकिन अगर इस तरह से लगातार चीजें होंगी जिनसे जनता के बीच में एक विश्वास फैलेगा कि उत्तर प्रदेश में सब कुछ ठीक नहीं हो, खासकर उसमें पुलिस विभाग, क्योंकि तो कानून व्यवस्था को लेकर ही योगी जी की छवि बनी थी कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा जबरदस्त है, और वही महकमा अगर अब आउट ऑफ कंट्रोल हो रहा है, मतलब जैसा हमारे पत्रकार मित्र ने कहा कि जो लोग पुलिस विभाग चला रहे हैं, पुलिस के अधिकारी, उनका अपने विभाग पर नियंत्रण नहीं है, तो उम्मीद है इस पे योगी जी कार्रवाई करेंगे, और एक हाई लेवल कमेटी बैठाई जाएगी कि वो जो चिट्ठी थी डीआईजी अवस्थापना की वो कैसे मीडिया तक पहुंची और खबर बनी। आज आलम यह है कि कल रात को 12:15 बजे ही
डीजीपी ऑफिस ने स्पष्टीकरण दे दिया था, उसके बाद भी सोशल मीडिया पे लगातार चल रहा है और बार बार लोग इसको अग्निवीर योजना से जोड़ रहे हैं। और कई लोग तो ये भी कह रहे हैं कि चूंकि समाजवादी पार्टी के लोगों ने ट्वीट कर दिया और इसको बड़ा मुद्दा बना दिया, इसलिए सरकार ने बैकफुट आते हुए डैमेज कंट्रोल करने के लिए तुरंत कार्रवाई की, चाहे जो भी हुआ। लेकिन फिलहाल सरकार ने मान लिया कि वो वायरल चिट्ठी में गलती थी, उसको वापस ले लिया। तो फिलहाल अभी अग्निवीर जैसी कोई योजना, मैं कह रहा हूँ अग्निवीर जैसी कोई योजना उत्तर प्रदेश में लागू नहीं होने वाली है। और खबर अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा और कोई कमी रहेगी तो कमेंट कीजिएगा। देखते रहिए न्यूज़ लॉन्चर। बहुत बहुत धन्यवाद।